हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वेज सोया कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी डिश होती है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है और किसी भी तरीके के पराठे या रोटी ये सब बहुत अच्छी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बॉइलिंग वाटर में 1 टेबल स्पून नमक के साथ सोयाबीन की बरियों को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। आप इन्हें तब तक बॉयल करें जब तक इनका ओरिजिनल साइज़ जो है वो डबल ना हो जाए। और अगर आपके पास में इनका कीमा वाला फॉर्म पड़ा हुआ है तो आप उसे बस गुनगुने पानी में भिगा दें, वो अपने आप फूल जाएगा। तो इसे हम स्ट्रेन करके एक साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे और उसमें हम डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ किए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, रफली चॉप विल वर्क फॉर यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे हम लोग गोल्डन ब्राउन हो जाने तक कुक करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ से ये इतना ट्रांसलेट हुआ और इतने से ये इतना ट्रांसलेट हुआ। सो ये है हमारा गोल्डन ब्राउन कलर जो हम चाहते थे कि हमारे प्याज का आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमेटोज। यहाँ मैंने 2 टमाटरों को बारीक काट लिया है, ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इन्हें भी हम कुक कर लेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ी जो है वो काफ़ी तीखी बनती है तो आप इसमें मिर्च अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से गला लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके। ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम गैस बंद करके इन्हें एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वक्त आने पर हम इस प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमें इसे पीसना नहीं है। अब एक बार फिर हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैं क्लैरिफाइड बटर या घी जो घर पे बना होता है वो यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग। आप चाहें तो हींग अवॉइड कर सकते हैं, पर डिजेशन में हेल्प करती है, इस वजह से डाल लें तो बेहतर है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। अब लहसुन इस रेसिपी की जान है तो बहुत जेनरसली डालिएगा। मैंने यहाँ पूरा एक बड़ी आड़ी लहसुन जो है वो यूज़ किया है बारीक क्रश करके। लहसुन गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे। यहाँ मैंने घिस के अदरक यूज़ किया, आप भी घिस के यूज़ करें या जूवियंस काट सकें तो जूवियंस काट लें आप अदरक के। अदरक के रोस्ट होने के ज़रा सा बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिर्फ एक यूज़ की है बारीक कटी हुई। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बढ़ा घटा सकते हैं हरी मिर्च को। इसके बाद हमने ऐड किया है इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। अब मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पे ऐड किया है और आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसे पकाने की या गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा साथ में इसे चलाया और फिर आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। कैप्सिकम यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ के लिए है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में डाइसेक्ट कर लिया है। सो आप इसे भी हल्का सा चला लीजिए। और इसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टमेटो, इसे भी हम लोगों ने छोटा छोटा काट लिया है और इसे हम लोग मिक्स करेंगे और फिर हम लोग इस बैटर को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके छोड़ देना है। तो आइए तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है, बड़ा वाला जार मैंने लिया है। 3 तरीके के जार होते हैं, मैंने मीडियम साइज़ वाला लिया है और उसमें मैंने जो सोया की बरी थी उन्हें ग्राइंड कर लिया है। ये हल्की सी रफली ग्राइंड की है मैंने तो एक कोरोस सा पाउडर तैयार हो गया है, दरदरा सा। इतनी ही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। जब तक मैंने बरियाँ ग्राइंड की तब तक देखिए हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी अच्छी खासी गल चुकी हैं। आधा क्रंच बचा होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें ड्राई पाउडर्स भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई पाउडर्स ऐड करने से पहले हमेशा गैस धीमी कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ की। अब इसमें मैंने सब कुछ 1-1 टेबल स्पून यूज़ किया है। यहाँ कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। इसी के साथ में मैं यहाँ पे कसूरी मेथी भी ऐड ऑन कर दूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप गरम मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर स्किप करके चाट मसाला डायरेक्टली डाल सकते हैं। इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी पाव भाजी मसाला भी, बट उससे पहले मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और टमाटर का जो बैटर हम लोगों ने तैयार किया था उसे डाल करके हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और पाव भाजी मसाला जो है वो सब्ज़ी की जान है तो उसे स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
पाव भाजी मसाला डालने के बाद में हम लोग इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें ऐड ऑन करने के लिए पानी जितना भी सब्ज़ी में आप यूज़ करेंगे वो खौलता हुआ पानी होना चाहिए। ये एक ट्रिक है जिससे आपकी सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो पानी खौला हुआ मैंने आधा कप यहाँ पे ऐड ऑन किया और इस सब्ज़ी में मैंने मसाला प्रिपेयर होने के बाद में कीमा ऐड कर दिया। कीमा ऐड करने के बाद में मैं इसे अच्छे से चलाऊँगी ताकि कीमा और मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये पराठों के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा रिकमेंडेशन वुड बी कि आप इसे पराठों के ही साथ में ट्राई करें। सो यहाँ पे आप देखिए मैंने रेस्ट जो बॉइलिंग वाटर है, एक ग्लास वाटर है ये, जिसे मैंने इस सब्ज़ी में ऐड ऑन कर दिया है। और इसके बाद में मैं इसे कवर हो करके कुक करने के लिए चढ़ा दूँगी, पर उससे पहले मैं इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में मैं इसे ढक करके 10 मिनट पकाऊँगी और ये हमारी सब्ज़ी रेडी है सर्व होने के लिए। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, चावल से भी ये काफ़ी अच्छी लगी थी और आप पराठे के साथ तो खा ही सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा अगर आप इसे ट्राई कीजिएगा कि आपको आज की ये डिश कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।